नमस्कार साथियों, आदाब। मैं शफी मोहम्मद सैफी एनसीआर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। देश की बड़ी खबरों और एनसीआर क्षेत्र की खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। बुलंदशहर में बसों की भिड़ंत में एक की मौत, 7 घायल, 3 को गंभीर हालत में हायर सेंटर किया गया रेफर। तेज रफ्तार रोडवेज बस ने सड़क किनारे खड़ी निजी बस में पीछे से मारी जोरदार टक्कर। रोडवेज बस में सवार एक युवक की हुई दर्दनाक मौत। इस हादसे में 7 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुँचा दिया है और शव को पंचायतनामा की कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली नगर क्षेत्र के NH-91 स्थित बरौली के पास हुआ यह हादसा। आपका संतोष कुमार, ये घटना कैसे हुई है और कब का मामला है? ये सुबह करीब 4:30 की हो या 4:18 के टाइम की बात है। अच्छा, कैसे हुई थी ये गाड़ी? हमारी सब यहाँ खड़ी हुई थी, सवारी वारी पेशाब करने के लिए रुकी थी। अच्छा, तो कंडक्टर जो है गाड़ी के पीछे घूमने आया और जैसे वो गाड़ी पीछे आया तभी पीछे से आई इसने जो मारा है, तो इसकी खोपड़ी काफी। क्या लोग घायल हुए थे इसमें चाचा? तीन घायल, तीन चार घायल। क्या लोग मरे हैं इसमें? मरा एक ही। आप क्या हो इस गाड़ी के ड्राइवर?